Oh, good shot. Beautiful shot. Hello friends, welcome back to Crick Ethics. As the previous video you might have seen, how to lay a tough cricket pitch, you have seen in English and in Tamil. Now we are going to see, Mr. Sivakumar going to explain us in Hindi how tough cricket pitch is laid. Welcome, and can you please tell us how it works? नमस्ते, मैं क्रिकेटिक्स सब व्यूअर्स को स्वागत करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये विकेट बनाना है। ये एक टफ विकेट है। विकेट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सॉइल को टेस्ट करना है। ये बहुत बढ़िया क्ले सॉइल है। ये सॉइल में बहुत अच्छी तरह से टफ विकेट बनता है। ये इरीगेशन के लिए भी बहुत अच्छा सॉइल है। आपको पहला काम करना है 36 इंच, दैट इज 36 इंचेस तक आपको खोदना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लू मेटल, मतलब इसको बोलते हैं ब्लू मेटल, जो 3/4 इंच में आता है, वो एक स्टोन है, उसको आपको डालना पड़ेगा 9 इंचेस तक। उसको डालने के बाद ये है ग्रेवल, रेड सैंड, क्ले, तीनों को डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद पानी डाल के उसको अच्छी तरह से, ठीक तरह से उसको मिक्स करवा के, ये आप जो देख रहे हैं अभी जो है ग्रेवल इसमें डाले हैं, ये 9 इंचेस के ऊपर 6 इंचेस तक के ग्रेवल डाल रहे हैं। इसके बाद इसको हम रोल करेंगे। रोल करने के बाद क्या होता है, ये 12 इंचेस बनता है। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 3 इंच का और क्ले सॉइल डालेंगे। फिर उसके ऊपर वो जो ब्रिक है, ब्रिक का जो डायमेंशन होता है 9 इंचेस बाई 4.5 इंचेस बाई 3 इंचेस, 9 इंचेस का जो डायमेंशन होता है उसको आपको वर्टिकली रख के पूरा पिच के लिए करना पड़ेगा। ये पिच का जो साइज है 9 फीट बाई 74 फीट है। आपका जो प्लेइंग या जगह जो होता है 66 फीट होता है। ऐसे अगर आपको टर्फ विकेट बनाना है 1, 3, 5 ऑड नंबर्स में बनाना है। यहाँ पे हमने 3 विकेट खोदा है, यह जो हमारा पहला विकेट बन रहा है। ऐसे ही हम तीसरा विकेट बनाएंगे और पांचों विकेट भी बनाएंगे। इसमें ये करने के बाद, ब्रिक लेयर करने के बाद, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर दोबारा रेड सैंड क्ले डाल के, पानी डाल के उसके ऊपर हेवी रोलिंग करना पड़ेगा। जब आप हेवी रोलिंग करते हैं, आइडियली एक 500 केजी रोलर जो होता है उसके ऊपर करके आपको रोल करना पड़ेगा। रोल करने के बाद अगर आपके पास मशीन रोलर है तो मशीन रोल कर सकते हैं, अगर आपके पास मैनुअल रोलर है तो मैनुअल रोलर कर सकते हैं। कल हम इस जगह को रोलिंग करवाएंगे। 9 इंचेस के ऊपर ब्रिक के बाद आप 3 इंचेस का क्ले और सॉइल डालने के बाद
उसको दोबारा टिक करने के बाद रोल करके दो दिन वाटर करने के बाद आपको डालना पड़ेगा फाइन सैंड क्ले और मैन्यूर एंड ग्रास सीड्स ड्यू टू ग्रास सीड्स डाल के उसको मतलब प्लेइंग एरिया के ऊपर से 9 inches तक हम उसको लेके आएंगे। ये विकेट बनाने का ठीक तरीका होगा। इस विकेट में बाउंस भी होगा, टर्न भी होगा, क्योंकि ये 2 layer का विकेट है। नॉर्मली विकेट जो बनता है सिर्फ 1 layer का बनता है, हम बना रहे हैं 2 layers विकेट बना रहे हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट हो, आपको जो नंबर दिखता है आप उसमें कॉल करके देख सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि हमसे जो होगा हम आपको क्या करना है कंसल्टेशन फ्रीली कर लेंगे। थैंक यू। यू आर टॉकिंग अबाउट अदर 2 pitches बोथ द साइड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दैट, व्हाई वी नीड टू डू दैट? एक टर्फ विकेट को जो टाइम होता है 20 to 25 days होता है, फिर उसके बाद इसको वाटरिंग करवा के दूसरा विकेट में हम करेंगे। जो सेकंड विकेट है उसमें प्ले नहीं करेंगे, फिर तीसरा विकेट में प्ले करेंगे। आइडियल विकेट बन रहा है 3 wickets, 5 wickets, 7 wickets ऑड नंबर में आपको बनाना है। एक विकेट में आप 25 days के ज़्यादा आप खेल नहीं सकते हैं। ये विकेट का जो लाइफ है 3 years से 4 years है। ये विकेट को 2 monsoon देखने के बाद विकेट का जो स्टेबिलिटी है तभी आपको पता चलेगा। तो आइडियली आपको 2 layer का विकेट बनाना पड़ेगा। ट्रॉपिकल कंडीशंस में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह में आपको बनता है 3 layer का विकेट है, क्योंकि वहाँ नेचुरल ग्रास बनता नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है वहाँ पे। चेन्नई में तो आपको उतना कोल्ड नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि आप 2 layer का विकेट बनाएं। इंडिया के अंदर आप 2 layer का विकेट बनाएं, आपको बाउंस और टर्फ मिलेगा। द प्राइमरी कंडीशन है, आपको सबसे पहले एक ही काम करना पड़ेगा, वो सॉइल को टेस्ट करके आपको पता चलना पड़ेगा कि ये ब्लैक सॉइल है या क्ले सॉइल है या सैंडी सॉइल है। फिर उसके बाद आपको कैसे विकेट बनाना है हम आपको गाइड करवा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शिवकुमार। द क्रिक एथिक्स इज अवेलेबल, द नंबर इज डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। Whomever विद इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे कैन कॉन्टैक्ट देम। They provide consultancy and on experience to lay a tough cricket pitch and for a very nominal fees. Please contact them and wish you happy vacation. And this ground will be ready by 31st of March 2019. This ground is in a place called Red Hills, which is 25 kilometers away from Chennai. We will be surely uploading the video on the inauguration of this. Please keep in touch with us. Please subscribe to our channel, like, share, and please give your comments. Thank you very much. 1 minute. और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट हो या किसी भी चीज़ का आपका डाउट हो, आप हमको मेल भी लिख सकते हैं cricketethics@gmail.com, या आपको हमको कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज में भी आप आके आपके मतलब जो भी आइडियाज़ है, कुछ भी आपको जानना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।